नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के पापा बनने की। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रोहित शर्मा ने कुछ दिन पहले बोल दिया था कि वो पापा बनने वाले हैं और वो कितने बेसब्री से इस पल का इंतज़ार करने वाले हैं। आखिरकार रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने एक नन्ही परी को जन्म दे दिया है। इसकी जानकारी रितिका के फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर दी है। उनकी शादी को 3 साल पूरे हो गए। उनकी शादी 13 दिसंबर 2015 में हुई। उनकी पहली मुलाकात 2009 में बोरोली स्पोर्ट क्लब में हुई थी। रोहित ने रितिका को अपना स्पोर्ट मैनेजर अपॉइंट किया था। उनके बीच मुलाकातों का दौर बढ़ा और प्यार हो गया। 6 साल के लंबे प्यार के बाद आखिरकार रोहित शर्मा ने रितिका को 6 जून को प्रपोज किया और उनकी 15 दिसंबर को शादी हो गई।